हेलो मूवीज लवर्स, आप देख रहे हैं मूवीज बायो। आज मैं आपको तीन ऐसी एक्शन साईफाई मूवीज बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। पहली मूवी का नाम है डेड, जो 2011 में आई थी। मूवी की कहानी एक सिटी पर बेस्ड है जिसका नाम मेगा सिटी वन है, जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जिसमें अपराध को रोकने के लिए एक फोर्स है जिसे डेड कहा जाता है। एक दिन मेगा सिटी वन में एक भयानक अपराध की पुलिसकर्मी डेड को रिपोर्ट मिलती है। वह पुलिसकर्मी डेड और उसकी साथी पेटेंडा उस अपराध की जांच करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक शातिर अपराधी से लड़ना पड़ता है। क्या वह उस शातिर अपराधी से जीत पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दूसरी मूवी का नाम है डीप इंपैक्ट, जो 1998 में आई थी। मूवी की कहानी एक धूमकेतु पर बेस्ड है। एक दिन एक एस्ट्रोनॉमर पीटरमैन एक धूमकेतु को अवकाश में देखता है, जिसके बाद रिसर्चर को ये पता चलता है कि ये धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा और पूरी मानवता को नष्ट कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस आपदा से बचने के लिए एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत 1,00,000 अमेरिकी नागरिकों की जान बचाने के लिए गुफाओं का निर्माण किया जाता है और एक अंतरिक्ष यात्रियों की टीम उस धूमकेतु की जांच करने के लिए जाती है। तीसरी मूवी का नाम है स्नो पियर्सर। मूवी की कहानी एक ट्रेन पर बेस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया पर एक बर्फ की चादर खींच जाती है, जिसके चलते जलवायु इंजीनियरिंग द्वारा किए गए प्रयासों के असफल हो जाने पर मानवता के आखिरी अवशेषों को लेकर एक स्नोबॉल अर्थ बनाया गया है। ट्रेन में हर वर्ग के लिए अलग अलग डिब्बे को बनाया गया है, जिसमें गरीब और निचले दर्जे के लोगों को गुलामों की तरह रखा गया है, जिसके कारण वे एक दिन विद्रोह कर देते हैं और वे ट्रेन के सुख सुविधा वाले हिस्सों में जाना चाहते हैं।